भाई जय माता सबको। आज आपको दिखाने वाला हूँ 3 BHK 110 गज का एल टाइप कॉर्नर फ्लैट, वो भी रामा पार्क की लोकेशन पे। मेट्रो सिर्फ 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पे। भाई एल टाइप की प्रॉपर्टी है और 30 और 20 फिट की रोड पे लेकर आया हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्लैट। हेलो गाइस, मैं अमन फ्रॉम जेएम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारका मोड से आज आपके लिए लेके आऊँ 3 BHK 110 गज का एल टाइप कॉर्नर इंडिपेंडेंट फ्लैट, वो भी भाई कार पार्किंग लिफ्ट के साथ में। जिसमें भाई बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, कार पार्किंग लिफ्ट आपको उसमें मिलने वाली है और फ्रंट रोड रहने वाली है हमारी 30 फिट की और राइट की रोड आपको मिलने वाली है 20 फिट की। तो समझ लो एल टाइप कॉर्नर तो है ही, साथ में 30 और 20 फिट की रोड आपको उसमें मिलने वाली है। भाई फ्लैट का साइज़ इतना बड़ा है कि भाई मज़ा आ जाएगा फ्लैट देख के। इतनी बढ़िया लोकेशन पे आपके लिए लेके आऊँ। लोकेशन रामा पार्क की लोकेशन आपको इसमें मिलने वाली है एम ब्लॉक की और मेट्रो से सिर्फ लगभग 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी आपको ये मिलने वाली है। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और एक बार बता देता हूँ कि नियर अमेनिटीज आपको इसमें मिलने क्या वाली है। अब देखो नियर अमेनिटीज गाइस, मैं खड़ा हूँ अपनी प्रॉपर्टी के बिल्कुल बाहर। सबसे पहले एक बार लोकेलिटी आपको दिखाई, तो लोकेलिटी देख लो, बिल्कुल ज़बरदस्त लोकेलिटी आपको उसमें मिलने वाली है। फ्रंट रोड आपको मिलने वाली है 30 फीट की और इस साइड की रोड आपको मिलने वाली है पूरी 20 फीट की। सर एक बार एलिवेशन दिखा दो भाई, एलिवेशन का डिज़ाइन भी देख लो, कितने बढ़िया एलिवेशन का डिज़ाइन आपको प्रॉपर टाइलिंग का आपको मिलने वाला है, ब्राउन और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स आपको उसके अंदर मिलने वाली। तो अब एंटर करते हैं हमारी फ्लैट के अंदर। तो गाइस एंटर कर चुका हूँ हमारे 3 BHK फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँ हमारे लिविंग एरिया के स्पेस की, तो लिविंग एरिया देख लो पूरे 16x14 के साइज़ में आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। भाई काफ़ी ह्यूज लिविंग एरिया आपको इसमें मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की मैं बात करूँ तो फ्रंट वॉल एक बार दिखाओ सर, 3D कस्टमाइज वॉल पेपर हमने आपको यहाँ पर लगा के दिया। और साथ में सोफ़े प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो सोफ़ा प्लेसमेंट भी देख लो, एक 9-10 सीटर सोफ़ा आपको यहाँ पे ग्रे कलर की टोन में मिलने वाला है प्लस एक सेंटर टेबल के साथ में। सर ठीक सामने एक बार मेरा टीवी कैबिनेट दिखा दो भाई, टीवी कैबिनेट का लुक भी देख लो, कितने बढ़िया लुक में टीवी कैबिनेट आपको उसमें मिलने वाला है। वाइट और ग्रे कलर की टोन में प्लस ब्राउन कलर के लुक में भी आपको यहाँ पे काम देखने को मिलने वाला है। और भाई अपनी बड़ी से बड़ी LED प्लेस करो, कोई दिक्कत ही नहीं आपको उसमें मिलने वाली। डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भाई देख लो यहाँ पे हमने लगा के दिए हुए, एक पार्टीशन आपको रेडी करके दिए हुए, आप भी अपनी मनचाह मर्जी से इजीली यहाँ पे कर सकते हो। प्लस वीडियो इंटरकॉम की फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है जैसे कि आप देख ही सकते हो उसमें। और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमारे एंकर के आपको उसमें मिलने वाले हैं। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखा दो भाई, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लो, LED लाइट का काम, कोव लाइट का काम, पॉली कैप्स के हमने इसमें फ़ैन प्लेस करे हुए और बीच में शैंडलर, कितना ब्यूटीफुल शैंडलर आपको उसके अंदर मिलने वाला है। अब बारी आती है हमारी मॉड्यूलर किचन की, तो माताएं बहनें उससे पहले आपको दिखा दूं, काफ़ी स्पेस हमारे पास खाली है तो अपना भाई 8 सीटर्स लगाना है या 4 सीटर वो आपकी मर्जी है। डाइनिंग टेबल का स्पेस भी आपको इसमें मिलने वाला है। अब दिखा दो इसका किचन पार्टीशन, सर किचन पार्टीशन पे एक बार दिखा दो, ग्रे और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको किचन पार्टीशन मिलने वाला है। अंदर कॉपर ग्लास का काम और LED लाइट्स का काम आपको उसमें मिलने वाला है। अपनी मनचाह मर्जी से कुछ भी डेकोरेट करें तो वो भी आप डेकोरेट इसमें ईजिली कर सकते हो। अब भाई किचन की बात करें तो किचन के डायमेंशन आपको एक बार बता दूं, पूरे 12x7 के स्पेस में किचन आपको इसमें मिलने वाली है। भाई स्पेस देख रहे हो कितने बढ़िया स्पेस में आपको मिलने वाली है, वाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉपर टाइलिंग का काम आपको उसके अंदर मिलने वाला है। और वेंटिलेशन की टेंशन तो बिल्कुल ही मत लेना, वेंटिलेटेड फ्लैट है जेएमडी बिल्डर्स का। विंडो आपको यहाँ पे मिलने वाली है प्लस सेंटर में आपको मिलने वाली है हमारी तरफ से सेंसर वाली चिमनी, भाई एक ही बारी में ऑन हो जाएगी, देख रहे हो कितनी बड़ी चिमनी आपको मिलने वाली है। ओवरहेड्स की मैं बात करूँ तो वाइट कलर में आपको ओवरहेड्स मिलने वाले हैं, अंदर स्पेसेस वगैरह देख लो और ऊपर भी स्पेस आपको मिलने वाला है। प्रॉपर लाइटिंग का आपको मिलने वाला है, गैस स्टोव अपना इजीली यहाँ पे आराम से प्लेस करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इसके अंदर। टैप्स के प्रोविजन आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, RO का पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अपना RO वगैरह ईजिली अपना प्लेस करो। सिंक का पार्ट और ड्रेनेज के पॉइंट्स आपको यहाँ पे नीचे सारे मिल जाएंगे। बास्केट्स की बात करूँ तो कटलरी बास्केट है, आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, स्टेनलेस स्टील के काम के साथ आपको उसके अंदर मिलने वाले, वो भी प्रोफाइल हैंडल्स के साथ में। और भाई इसमें तो बॉटल बास्केट्स भी हैं, तो मतलब अपना इजी सामान कहीं भी रखो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, फ्रिज का स्पेस भी भाई अपना आराम से यहाँ पे रखो, कोई दिक्कत ही नहीं। और एक भाई माता बहन फिर खुश हो जाएंगे देख के।
भाई आपको यहाँ पे प्रॉपर हमने एक पेंट्री भी रेडी करके दी हुई है, देख रहे हो कितनी बढ़िया लुक में आपको मिलने वाली है। सर एक बार किचन की फॉल सीलिंग भी दिखा दो, किचन की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लो कितने बढ़िया लुक में डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। भाई कोबलेट का काम, एलडीआर का काम और काफ़ी एक बढ़िया लुक में आपको मिलने वाला है हैंगिंग लैंप हमारी साइड से। अब दिखाते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। भाई फर्स्ट बेडरूम का डायमेंशन देख के खुश हो जाओगे, डायमेंशन कितना बड़ा कमरा लेके आया हूँ आपके लिए। अब भाई डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो पूरे भाई साइज़ आपको मिलने वाला है 14x12 के साइज़ में, देख रहे हो भाई 14x12 के साइज़ में आपको ये पूरी फर्स्ट बेडरूम हमारा मिलने वाला है। फ्रंट वॉल की बात करूँ तो वॉलपेपर का डिज़ाइन आपको उसके अंदर मिलने वाला है, साथ में 6x6 का एक बेड हमने प्लेस किया हुआ है और इस साइड में आपको मिलने वाला है एक ड्रेसिंग का पार्ट बिल्कुल सेपरेट, काफ़ी लॉन्ग मिरर हमने आपको यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। साथ में भाई ड्रॉज वगैरह आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो माता है फ्रेंड्स इसमें तैयार वगैरह होना तो ईजिली हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेंटिलेशन की मैं बात करूँ तो भाई वेंटिलेशन का पॉइंट भी देख लो, जेएमडी बिल्डर्स का फ्लैट है, वेंटिलेशन के लिए तो कहीं दिक्कत ही आती ही नहीं हमारी साइड से। विंडो एसी अपना यहाँ पे इजीली अपना प्लेस करो, विंडोज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली हो, साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी के ग्रिल्स आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है। ठीक सामने मैं बात करूँ आपको एक अलमीरा भी मिलने वाली है ब्राउन कलर की टोन में, भाई अभी तो फिलहाल ये लॉक हो रखी है, लेबर ने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, तो भाई जिसने स्पेस वगैरह भी देखना तो विजिट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में आपको मिलने वाला एक टीवी कैबिनेट व्हाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में, बड़ी से बड़ी एलईडी अपनी प्लेस करो। सेटअप बॉक्स वगैरह के लिए भाई हर चीज़ की फैसिलिटी आपको, वायर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। ड्रॉज वगैरह आपको दो नीचे मिल जाएंगे, प्लस साथ में कुछ भी डेकोरेट करें तो इजीली ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हो। सर एक बार फॉल सीलिंग दिखा दो, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लो, रेक्टेंगुलर शेप में फॉल सीलिंग आपको उसके अंदर मिलने वाली है। रेड कलर की कोब लाइट प्लस एलईडी लाइट का काम और फैन वगैरह हमने आपको यहाँ पे प्लेस करके साथ में दिया हुआ। तो फर्स्ट बेडरूम आपने मेरा देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम। भाई कॉमन वॉशरूम का स्पेस देख के भी खुश हो जाओगे, स्पेस देख रहे हो कितने बढ़िया स्पेस में कॉमन वॉशरूम आपको मिलने वाला है। प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में काम आपको इसमें मिलने वाला है। वेंटिलेशन का पॉइंट आप टॉप पे ही देख रहे हो मिलने वाला है। साथ में बात करूँ भाई देख रहे हो ऑल सैनिटरी फिक्चर्स आपको सारे के सारे जगुआर के इसमें मिलने वाले हैं। फ्लोरिंग पे आपको एंटिस के टाइल्स मिलने वाली हैं। तो कॉमन वॉशरूम भी आपने देख लिया, अब आपको दिखाता हूँ इसका सेकेंड बेडरूम। भाई सेकेंड बेडरूम भी देख लो कितने बढ़िया स्पेस में आपको ये रूम मिलने वाला है। और डायमेंशंस की बात करूँ तो पूरे 14x11 के साइज़ में रूम आपको ये मिलने वाला है। फ्रंट वॉल देख लो, फ्रंट वॉल का डिज़ाइन कितने बढ़िया लुक का वॉलपेपर आपको इसमें मिलने वाला है। साथ में एक बेड हमने इसमें 6x6 का कोल्डिंग वाला प्लेस किया हुआ। साथ में एक चीज़ और दिखा दूँ इस साइड से, एक बार दिखा दो भाई पूरा प्रॉपर बड़ा स्टडी टेबल आपको यहाँ पे रेडी करके दी हुआ है। अपनी मनचाही से भाई पढ़ाइयाँ करनी है पढ़ाइयाँ करो, समझ रहे हो ना, दो गुट मारने दो गुट मारो आपकी मर्जी है। एक हमने आपको यहाँ पे कबर्ड भी रेडी करके दी हुई है। सर इसकी फॉल सीलिंग दिखा दो, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लो, आपको सेंटर में वॉलपेपर मिलने वाला है। एक फैन हमने पॉली कैप का इसमें प्लेस किया हुआ है। एलईडी लाइट्स का काम और कोबरा का काम आपको उसमें मिलने वाला है। अब बात करते हैं वेंटिलेशन पॉइंट की, तो जेएमडी बिल्डर्स का फ्लैट है, कितनी बार एक्सप्लेन करूँ मैं। विंडो एसी यहाँ पे लगा लेना, विंडोज आपको वहाँ पे मिलने वाली है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए गिल्स हमने लगा के दी हुई है। अब बालकनी मिस मत करना भाई, बालकनी आपको दिखाता हूँ इस साइड का दिखाऊंगा बाद में, पहले इस साइड घूम के आते कितनी बड़ी बालकनी है। बालकनी का साइज़ देख लो कितनी बढ़िया भाई बालकनी आपको मिलने वाली, इतनी बड़ी एल टाइप की बालकनी आपको उसमें मिलने वाली है। स्टेनलेस स्टील काम आपको उसके अंदर मिलने वाला है। इस साइड में आपको मिलने वाली मेरी साइड 30 फिट की रोड और मेरी ठीक सामने आपको मिलने वाली है 20 फिट की रोड। भाई अब आपको दिखाता हूँ इसका वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट, देख रहे हो वॉशिंग एरिया के लिए अलग से आपको जगह मिलने वाली है। टैप्स के प्रोविजन, ड्रेनेज के पॉइंट और आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहीं से एंट्री मारते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। भाई एंटर कर चुका हूँ हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर, भाई मास्टर बेडरूम में हमारा मिलने वाला है। सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं पूरे 13x11 के साइज़ में। फ्रंट वॉल एक बार दिखा दो, एक 3D कस्टमाइज वॉल पर आपको उसके अंदर मिलने वाला है। हमारी साइड से एक ऊपर आपको वॉल लैम्प भी मिलने वाला है, प्लस साथ में 6x6 का बेड भी हमने आपको लगा के दिया हुआ है। और कबर्ड आपको दिखा देता हूँ इसमें, सर कबर्ड भी दिखा दो, स्लाइडिंग डोर कबर्ड आपको इसमें मिलने वाली है ब्राउन कलर की टोन में। और सर एक बार इसकी फॉल सीलिंग भी दिखा दो, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लो कितनी ज़बरदस्त लुक में फॉल सीलिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है। कोबलेट का काम, एलईडी लाइट का काम आपको उसके अंदर मिलने वाला है। एक फैन हमने इसमें प्लेस किया अपनी साइड से। अब दिखा दो सामने टीवी कैबिनेट, सर टीवी कैबिनेट भी दिखा दो, ब्राउन और वाइट कलर की लुक में टीवी कैबिनेट आपको उसके अंदर मिलने वाला है। भाई दो लाइट्स भी जल गई इसके अंदर, अब तो बड़ी से बड़ी एलईडी प्लेस करो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं और साथ में ड्रॉज वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर एक बार अटैच वॉशरूम भी दिखा दो इसका, भैया अटैच वॉशरूम का स्पेस भी देख रहे हो कितने ज़बरदस्त स्पेस में आपको जो आपको मिलने वाला है। प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में सारे के सारे सैनिटरी फीचर हमने इसमें प्लेस किए हुए हैं। फ्लोरिंग पे रहेगी हमारी एंटिस किट टाइल्स और आपको ऊपर वेंटिलेशन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो गाइस ये था मेरा 3BHK 110 गज का फ्लैट, वो भी एल टाइप कॉर्नर फ्लैट। कैसा लगा कमेंट करें मैं ज़रूर बता देना। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लैट और जेएमडी बिल्डर्स, वैसे भी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले। और भाई
सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, बिल्कुल मेट्रो से 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है, नियर अमेनिटीज आपने इसमें देख ही ली है। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो फटाफट से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।